हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आप सभी के लिए। आजकल हर कोई फोन यूज करता है, हर फोन में यूट्यूब होती है। जो यूट्यूब होती है वो हर कोई चलाता है, हम भी चलाते हैं, हमारे बच्चे भी चलाते हैं। क्या फ्रेंड आपको पता है यूट्यूब हमारे बच्चों के लिए कितनी हानिकारक है? यूट्यूब में कितने कंटेंट आते हैं, कितने तरह की वीडियो आती है जो हमारे बच्चों के लिए सही नहीं होती है। तो हमें क्या करते हैं, हमारे बिजी शेड्यूल में क्या करते हैं, फोन अपने बच्चे को दे देते हैं। बच्चा कुछ ना कुछ देखता रहता है, ऐसी कुछ कंटेंट देखता है जिससे उसका आने वाला फ्यूचर खराब होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। बच्चे की उम्र छोटी होती है, वो ऐसी कोई चीज देख लेता है जिससे बहुत जल्दी वो एक बैड संगत में पड़ जाता है। आज की वीडियो में मैं एक कंप्लीट आपको दिखाने वाला हूँ कि आपने कौन से फोन, अपने जो मोबाइल है, मोबाइल में के यूट्यूब के अंदर आपने कौन सी सेटिंग करके रखनी है जिससे आपका बच्चा जो मर्जी देखता रहे लेकिन उसके पास कोई ऐसा कंटेंट नहीं जाएगा। इसमें मैं दो तरह की सेटिंग बताने वाला हूँ। वीडियो को कंप्लीट देखना, एक एक स्टेप को फॉलो करना, उसके बाद ही आप अपने बच्चे को फोन देना। क्योंकि फोन में ऐसा बहुत सारी चीजें फोन में ऐसी आ जाती है फ्रेंड जो हमारे लिए तो ठीक है, मतलब हमारे बच्चों के लिए उतना मतलब सूटेबल नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड, तो कंप्लीट देखना, हर एक स्टेप को फॉलो करना ताकि आपके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो सके, उसको अच्छी संगत मिल सके, अच्छी चीज उसके पास पहुंच सके, अच्छी नॉलेज उसके पास पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड, चलो मैं चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ आपने कौन सी सेटिंग को ऑन करना है, कौन सी को ऑफ करना है। अगर फ्रेंड आप ये सेटिंग अपने फोन में करके रखोगे उसके बाद चाहे बच्चे को आप फोन देते हो तो बच्चे के पास ऐसी कोई भी वीडियो, ऐसा कोई भी कंटेंट बच्चे के पास नहीं पहुंचेगा जिससे आपके बच्चे की लाइफ खराब हो जाती है, बैड संगत में पड़ जाता है, उसका फ्यूचर खराब होने के चांस ज्यादा रहते हैं। YouTube उसको हटा देगा आपके YouTube के अंदर से, तो उसके पास कंप्लीट नॉलेज पहुंचेगी। चलो फ्रेंड आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधा ले चलता हूँ आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और दिखाता हूँ कौन सी सेटिंग को ऑन करना है और कौन सी सेटिंग को ऑफ करना है। देखिए फ्रेंड, हम आ गए मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे आपने क्या करना है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जहाँ पे सबसे पहले हमने अपना क्या करना है, YouTube को खोल लेना है। जैसे फ्रेंड हम YouTube को ओपन करते हैं, YouTube को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपने सबसे पहली सेटिंग जो बच्चे को फोन देने से पहले आपने क्या करनी है, देखो ये फोन आ गया, जहाँ आपने जो आपका चैनल का होता है ना, आपके जो नाम का, जो आईडी का, जो आपने ईमेल आईडी लगाई है वहाँ उसका लोगो बना होता है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड हम इस पे क्लिक करते हैं तो जहाँ नीचे एक सेटिंग का ऑप्शन दिया गया होता है, सेटिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद जहाँ ढेर सारे ऑप्शन है, जहाँ सबसे ऊपर वाला जो जनरल लिखा हुआ है इस पे हमने क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड हम इस पे क्लिक करते हैं तो सबसे नीचे अगर हम देखेंगे तो लास्ट सेकंड पे हमने एक रिस्ट्रिक्टेड मोड लिखा होता है, इसको आप हमेशा बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, इसको आपने ऑन कर देना है। जैसे फ्रेंड ऑन करते हैं तो ये आप, मैं आपको बैक करके दिखाता हूं, तो जहां से आपके पास जो भी अडल्ट कंटेंट होगा वो जहां से आपको हटा देगा, मतलब ऐसी कोई भी वीडियो जहां पे शो नहीं होगी जो आपके बच्चे के लिए खतरनाक है, हानिकारक है, जो उसके फ्यूचर को खराब कर सकती है। ठीक है, तो जहां पे मैं एक बार दोबारा उसको ऑफ करके दिखाता हूँ उसके बाद कैसा कंटेंट आता है, और ऑन करके दिखाता हूँ तो कैसा आता है। सेटिंग पे गए, जनरल पे गए, जहां से रजिस्ट्री के मोड को हम ऑफ कर देंगे उसके बाद मैं आपको कंटेंट दिखाता हूँ भी कैसा आएगा। जहां हम शॉर्ट पे अगर जाएंगे तो जहां पे फ्रेंड बहुत सारी ऐसी वीडियो पड़ी होती है, ये देखो ये ऊपर आ गया, मतलब ऐसी वीडियो गंदी जी, मतलब बच्चे को पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होती, वो इस तरह की वीडियो देख के उसके दिमाग में गलत विचार आने लग जाते हैं। अभी मैं इसको ऑफ करके दिखाता हूँ तो देखना है ये वीडियो जहाँ पे रहती है नहीं रहती, मतलब ये वो यूट्यूब क्या करेगा, उसको हटा देगा। जहाँ जनरल पे गए, रजिस्ट्रिक्ट मोड पे गए, तो जहाँ पे अगर हम बैक करके देखेंगे तो ये देखो यूट्यूब दोबारा रीलोड करेगा, देखो ऐसी कोई भी वीडियो नहीं आएगी जो बच्चे के लिए हानिकारक है। अभी सेकंड ट्रिक क्या है फ्रेंड, जो आपने अपने फोन में करके रखनी है, मतलब कि ये तो हो गया जो बच्चे के करनी, तो दोनों अपने यूट्यूब में है, ये आपने कब करनी है। कई बार हम फोन खुद यूज करते हैं, हम तो अडल्ट है, हम तो ऐसा कंटेंट देख सकते हैं, देखते भी हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर हैं जो लोगों का इंटरेस्ट होता है ऐसी चीजें देखने के लिए, वो क्या करता है जब भी हम यूट्यूब पे कोई भी वीडियो सर्च मारते हैं, जहाँ सर्च करते हैं तो जहाँ पे इसकी कुकीज में शामिल हो जाता है, मतलब कि उसके बाद जब अगली बार हम यूट्यूब खोलते हैं तो हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से वो वीडियो शो करता है। जब बच्चे के पास जाएगा तब भी वो वीडियो वहाँ पे शो करेगा क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है, हम वो वीडियो देखते हैं। इसके लिए फ्रेंड आपने क्या करना है, जहाँ पे ये ऊपर
टर्न और इनकॉग्निटो मोड होता है, इसको आपने ऑन करके रखना है। जैसे फ्रेंड हम इसको ऑन कर देंगे तो जहां पे आप जो भी चीज सर्च करोगे, तो जहां पे जैसे मैं ABCD या मैं आप जहां से कुछ सर्च करके दिखाता हूं आपको, यहां से मैं सर्च कर लेता हूं अपने चैनल को सर्च कर लेता हूं, उसके बाद मैं लाइव दिखाने वाला हूं आपको भी क्या एक काम करता है कैसे करता है। जी देखो जी चैनल आ गया अभी से शुरू, इसको आप फ्रेंड अगर आपने मेरे चैनल को ये सब्सक्राइब नहीं किया तो जहां से रेड बटन से इसको सब्सक्राइब कर देना, ठीक है फ्रेंड। तो जहां पे अगर हम इसको दोबारा कट कर देंगे, कट करके हम वापस आते हैं इसको मैं आपको दिखाता हूं, तो हमारी उस हिसाब से कोई भी वीडियो जहां पे शो नहीं करेगा। अगर हम सर्च में भी दिखाएंगे तो जहां पे भी कोई भी हिस्ट्री यहां पे दिखेगी नहीं, कोई भी कुकीज यहां शामिल नहीं होगी। तो आपने जब भी आपने यूट्यूब चलाना है, कोई भी चीज देखनी है, तो इनकॉग्निटो मोड को ऑन करके रखिए और उसके बाद ही आप यूट्यूब चलाइए। और बच्चे को देना है तो आपने वहां जनरल पे जाके सेफ सर्च पे जाके आपने उसको रिस्ट्रिक्ट मोड को ऑन कर देना है, ठीक है फ्रेंड। जो दोनों तरह के काम आप अपने यूट्यूब में चल मतलब ऑन कर लीजिए, उसके बाद जो आप देखते रहो मर्जी देखो, और जो बच्चे को देना है तब भी वो ऐसी कोई कंटेंट दिखाएगा नहीं जो आप देख रहे हो, आपके बच्चे को दिखाएगा, जो बच्चा देख रहा है आपको दिखाएगा, आपकी भी सेफ्टी आपके बच्चे की सेफ्टी है ना फ्रेंड। बड़ी कमाल की ट्रिक, उम्मीद करना आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड।